भागवत जी मनुष्य शरीर के बारे में ये कहते हैं कि ये मनुष्य का शरीर सबसे महत्वपूर्ण है और बहुत प्रयासों के बाद मिलता है। ये आपने कई बार सुना होगा, आपके पूर्व जन्म के बहुत सत्कर्म हो तो आपको मनुष्य शरीर मिलता है। और भागवत जी ने एक जगह कहा है कि आप ही हैं जो मोक्ष धारण कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है इस देश में कि जानवरों में, पशु पक्षियों में और कीड़े मकोड़ों में मोक्ष की स्थिति नहीं आती, मनुष्य योनि ही है जिसमें आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। तो उनकी मोक्ष की परिभाषा बहुत सुंदर है। मोक्ष क्या है? हम सब लोगों ने कई बार अलग अलग समय अलग अलग लोगों से सुना होगा कि मोक्ष ऐसा है, मोक्ष ये है। भागवत जी की परिभाषा बिल्कुल साफ और सरल सीधी है। वो ये कहते हैं कि जो व्यक्ति, मनुष्य, स्त्री हो या पुरुष कोई भी, अपने दुखों को दूर कर ले और दूसरों के दुखों को दूर करने का काम करे, वही मोक्ष का अधिकारी है।